गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज है सेकंड डे हमारा नैनीताल नाम पे एक फ्लैट में, और हम हो गए हैं यहाँ से बहुत परेशान। ये शायद आपका फ्लैट है, तो भाई यहाँ जो आए वो अपना सारा खाने पीने का इंतज़ाम लेके आए शादाब भाई के साथ। वो देखो ऐसे सोए पड़े हैं, लंबे लेट हुए हैं, तो यहाँ है खाने पीने की बहुत मुसीबत। रात को अगर जाओ बाहर तो कुत्ते उत्ते ऐसे भोंकते हैं जैसे पता नहीं चोरी वोरी की हो हमने, तो आप बेहतर होगा यहाँ ना आए क्योंकि आप बाहर रोड पे। गुड मॉर्निंग गाइस। अबे हाँ हाँ गुड मॉर्निंग, क्या साले भूखे मर रहे हो, गुड मॉर्निंग में लगा हुआ यार। भाई ये शादाब भाई हमारे सैफ भाई सो रहे हैं, खाने नहीं बना सैफ भाई हमारे लिए। सैफ शादाब नाम है, शेफ है हमारे। अच्छा शेफ, हाँ हाँ यार मोमिन ये लगा मेरा खास दोस्त। हेलो गाइस गुड मॉर्निंग, ये है बंदा जी मेरे जगह दोबारा कभी कोई ना आए। ये सोलह सोए पड़ा है, हमें खाने को नहीं मिल रहा, अपने फ्लैट को बनाना पड़ा। ये मेरा भाई, कैसे हैं आप सभी लोग? यहाँ थोड़ी देर में भूखा मार रखा है, यहाँ हम बैठ जाएंगे थोड़ी देर में अनशन पे। भाई यहाँ खाने को कुछ नहीं है, कोई ना आए और बीवी बच्चों को लाए तो आए वरना ना आए। भाई अगर खुद बनाना आता है तो आना वरना मत आना, भूल जाना वरना। भाई यहाँ खाने के बहुत तगड़े लाले पड़ गए हैं, बहुत बड़े वाले। देख रहे हो हमारी हालत कैसी हो रही है, इसकी बेइज्जती हो रही है। ये बंदा यूं कह रहा है फ्लॉप हो जाएगा ये व्लॉग। भाई ये फ्लॉप नहीं होना चाहिए, इसको ज्यादा से ज्यादा वायरल करें, ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वायरल कर दें। भूखा रहना है, सुन लो ना, व्यू नहीं देखना, कहीं कुछ जाना नहीं है, वो यहाँ पाए वरना ना आए। गाइस इधर मेरे कल इसके बोलने से कुछ नहीं होगा, इधर मैंने सबको दोस्तों को ये कोई भी कुछ भी करने को तैयार नहीं थे। मैंने 10 बजे उठ के एक मेरा भाई नवेद एक मैं, हमने दोनों ने इन्हें ऑमलेट बना के दिया और चाय बना के दी और स्पेशल पापे लेके आया था भाई देखा के लिए, वो बना कर दिए और रात को मैगी बना के दी। जब भी इन्हें खाने का कुछ नहीं, अब जब मैं उठूंगा तो मैं इन्हें करके दूंगा। तो भाई जैसा कि आपने सुना अपने आप, इसने हमें ब्रेकफास्ट बना के दिया था, तो वो बात हमारी सच है कि भाई अपने आप खाना वाना बनाना पड़ रहा है यहाँ पे। आओ हम दिखाते हैं, आओ दिखाते हैं यार हालत बेचारे की। हम बना रहे हैं अपना नाश्ता। ये रहा मेरा भाई, देखो फोन पे भी बिजी है अपनी सेटिंग के साथ, और चाय वाय सब बना रहा है बेचारा। ऑमलेट खुद बनाना पड़ रहा है भाई, खुद बनाना पड़ रहा है। देखो मैं तुमसे सही बता रहा हूँ, यहाँ पे कभी मत आना, ये ऐसी जगह है ना। तो ये कह के आया था कि व्यू मिलेगा है ना और अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा, देखो मिल रहा कितना अच्छा, खुद बना के खाना पड़ रहा। तो भाई हमें आता नहीं है कुछ भी बनाना, ये हमारे लिए हो गई नरक की जिंदगी। अरे खाने के बदले मैगी से कम खरीदा। ये देखो भाई कितनी मेहनत कर रहा है ये लड़का यार। भाई चलो रात को खराटे ऐसे लेता, यहाँ खराटे ले, अगल बगल वाले भी परेशान हो रहे होंगे, ऐसे खतरनाक वाले। इसकी बीवी कैसे सोती है, इसके बच्चे कैसे सोते होंगे? हाँ यार ये बात भी है। भाई ये तो ब्रेकफास्ट बना के देगा या तेरी इसको धज्जी उड़ाऊं? ये तो हम लोगों को कुछ खिलाने वाला है नहीं। हाँ। तो कर रहे हैं तो भाई ये हो गया बिग बॉस का घर, इसको खलील को फोर्स किया जा रहा है कि बर्तन धो दे, मगर ये अब बर्तन धोए भाई, भाई बर्तन तो धोए नहीं, भाई बर्तन धोए भाई। और देखो मेरे बालों की हालत क्या हो रही है, कंजरों वाले हो रहे हैं ये दोनों भी। तो भाई जैसा कि आपने सुन लिया है, मैं सिर्फ खाना बना ये बन चुका है हमारे लिए अजाब वाला घर। मोमिन भाई नाश्ता बना रहे हैं, मैं सिर्फ खाना बनाऊंगा, ये बन गया हमारे लिए बिग बॉस का घर। तो इसमें अगर आप आओ तो इसी उससे आना कि आपको खुद सारा काम करना पड़े। तो मेरे भाई सुबह 8 बजे के उठे हुए हैं और टाइम हो रहा है इस टाइम 11, ये बेचारे 8 बजे से भूखे मर रहे हैं। और अब जाके जब ये हार गए बिल्कुल उस बंदे से जिसका ये प्लेट है, घूम गया है, हम छान मार गया है, बस ये मिला अंडा ब्रेड, बस अपने आप बना के इसके अलावा कुछ नहीं मिला। तो भाई जैसा इसने बताया बिल्कुल सही बता रहा है, 8 बजे से ये उठ के परेशान हुए हैं और जिसका फ्लैट है वो तो लेटा पड़ा है लंबा। इसको इतनी शर्म नहीं है कि यहाँ मेहमान आए हुए हैं तो जरा इन्हें खाने पीने को दे दूं मैं। ये देखो उठेगा नहीं तो भाई यही होगा तेरे साथ। ठीक है भाई, तो भाई इसके इसके जो भी दोस्त हो यहाँ कभी जिंदगी में ना आए इसके साथ, इसके बहकावे में ना आए। तो भाइयों अब हम निकल चुके हैं भालूगढ़ के लिए और वहाँ हम थोड़ी नहाई धोई करेंगे, बिना नहाए निकले हैं। देखो सारे यहाँ का हालत देखो कैसी हो रही है, तो हमने वही प्लान किया है कि हम वहीं नहाएंगे झरने में, झील में। और बाकी हम अब निकल चुके हैं अपनी गाड़ी में। तो गाइस ये सफर होने वाला है हमारा बहुत ही अच्छा। अरे यार कोई बात नहीं, चलो यार चलो कोई नहीं, ये ऐसे ही है।
ये कुछ भी बोलते रहते हैं पर इनका बुरा नहीं मानना चाहिए। तो गाइस आज की जर्नी हमारी बहुत स्पेशल रहने वाली है, बहुत ज्यादा अच्छा है, इसलिए हम वहाँ जा रहे हैं। बहुत औसम है और वो यहाँ से 45 किलोमीटर है, ये 35 किलोमीटर दूर है, 35 किलोमीटर दूर है और वो यहाँ का हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट है। और वहाँ टूरिस्ट हो जाता है और हाँ एक फेमस जगह और है वहाँ हम लेके चलेंगे, उसका नाम है चोली की जाली, चोली की और चोली की जाली है, वहां पर भी ले जाएंगे हम आपको और वहाँ का व्यू देखना कितना मौसम है हम आपको जरूर दिखाएंगे। आप हमें हमारे साथ जुड़े रहना लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, ताकि जो लोग हमारे बाद में आए उन्हें घूमने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। कैमरामैन शादाब मलिक के साथ, कैमरामैन शादाब मलिक के साथ आस्त। गाइज हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं, क्या नाम है, कार पार्किंग में और वाटरफॉल है यहाँ पे, तो हम दिखाते हैं आपको ऊपर चल के भी आएगा वो है वाटरफॉल। वो इतनी दूर पैदल जाना है हमें? हाँ भाई 1200 मीटर ऊपर, बहुत लंबा चलना है यासिर भाई। अच्छा जी, अभी आप देखोगे काफी अच्छा वाटरफॉल है, ये मजे ना आए तो पैसे वापस वापस है भाई, सबके पैसे वापस भाई, मत लेना। रहना तो हमारा फ्री है और यहाँ कोई टिकट वगैरह तो नहीं है अभी तक, हमारा खाना भी समझ लो मैंने ही खिलाया दोस्तों, खाना भी मैंने खिलाया दोस्तों, अंदर है क्या? ये रहना माइक है तो दोस्तों, फाइनली हम उतर चुके हैं पार्किंग से। चश्मा दे दे यार काला वाला मेरे को, कोई टिकट तो नहीं है? टिकट है भाई कितने का? यार 40 से 50 रुपए। चलो कोई नहीं, तो गाइस हम फाइनली अपने पहुंचे हैं वाटरफॉल के अंदर नहाते हुए, फुल न्यूड नहीं थोड़ा थोड़ा न्यूड दिखेगा। तो हम ले रहे हैं यहां से वाटरफॉल की टिकट, कितने की है भाई टिकट? 50 रुपए, 50 सिर्फ 50 रुपए की टिकट है और 1200 मीटर अंदर है और फुल पसीना महल उतार के आएंगे ऊपर वाटरफॉल में, नहा के नहीं आए क्योंकि ये लोग और मैं भी उनमें से एक हूँ, मैं भी नहा के नहीं आया। हम सुबह उठे, हमने प्रोग्राम यहाँ का बनाया और डायरेक्ट हम यहाँ आए, अभी सीधा यहीं नहीं आए, अब यहीं आके हम अपनी गंद निकालेंगे। तो पोटी वगैरह कर ली थी? नहीं ना, फ्रेश होके आए थे, बाकी इनका पता नहीं खलील का, खलील से पूछ लेना भाई, बोले इनसे नहीं हुआ फ्रेश। हाँ, गाड़ी में बदबू मार रहा है, बदबू मार रहा है थोड़ा गाड़ी में। हाँ, और ये शताब्दी हो सकता है उसमें से, मैं तो ही नहीं क्योंकि इसने 2 दिन बाद गया ये वॉशरूम। और यहाँ से हमारा वॉकिंग डिस्टेंस है 1200 मीटर, तो चल के जाना पड़ेगा ट्रैकिंग करते हुए। पिएगा पानी ले, और एक भला आदमी हमें मिल गया जो पानी बेच रहा है, वरना मुझे लग रहा है हमें वाटरफॉल का ही पानी पीना पड़ता। आ जा भाई, चलो पार्टी। और अपने 3 बल्लू, अपने 3 खचरे। तो भाई कितनी दूर है यहाँ से? 1200 मीटर। चल भाई वो तो है, अभी तो आ तो गए, इतना इतनी आगे तो आ गए, अब कितना बचा? थोड़ा और बचा अभी। चलो यार, यहाँ इन्होंने एक छोटा सा रेस्टोरेंट बना रखा है जहाँ आप मैगी पॉइंट वगैरह ले सकते हैं। यहाँ का व्यू तो थोड़ा अच्छा है, आधे रास्ते पहुँचे हैं अभी हम, तो ये झरना यहाँ से स्टार्ट हो गया है, आधे रास्ते पहुँचे हैं और हमारी हो गई हालत ख़राब, हम थक गए, चढ़ चढ़ के थक गए हैं, पूरी हालत हो गई, पहले चढ़ाई चढ़ा और भी बोला पहली का फूस फूल रहा है सांस, पेट देखो फूल फूल के बाहर आ गया, आज पतला हो जाएगा ये, आज आज की चढ़ाई में अच्छा था हमारा पतला हो जाएगा। बाकी भाई यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है, अगर बहुत प्यारी है, आप अगर नैनीताल विजिट करो तो यहाँ भाई जरूर आना, अभी तक का व्यू यहाँ का बहुत अच्छा है। बाकी अभी वाटरफॉल का व्यू आपको दिखाता हूँ, बेस्ट जगह है जहाँ भी अब तक हम गए हैं उन सब में ये सबसे बेस्ट लोकेशन है हमारी। हाँ। भाई मुझे सुसु आ रहा है, झरने में कर दूँ क्या? नहीं यहाँ पे पहाड़ के पीछे का क्या है ना। चलो भाई थोड़ा और जो रास्ता बचा है उसको भी कवर करते हैं, ऊपर का व्यू देखो काफी ऊपर तक है।
आसमान काफी ऊपर है यार। यार हम ऊपर आ गए तो आसमान नीचे थोड़ी आ सकता है। यही बात है। चलो पहुंच चुके हैं वाटरफॉल, पानी के अंदर फुल मस्ती मजे मजाक लेते हुए। अभी हम इसमें नहाने वाले हैं मगर विदाउट लाइफ जैकेट ये जाने नहीं दे रहा हमें आगे तक। ये भालूगत भाई हम भी तो हैं। ये बल्लू, अबे भाई पानी बड़ा चिल्ड है यहाँ तो, नहाने का भी लग रहा है कुल्फी जम जाएगी। हाँ यार बहुत ठंडा पानी है यार, बहुत ठंडा पानी है यार। सुन पड़ गए ना? सुन पड़ गए पैर, सुन हो गए पैर। और पूरा हम भीग चुके हैं, मैंने अपने बाल नहीं भिगाए इसलिए क्योंकि मेरे बालों को ड्रायर की जरूरत होती है। जो डुबकी लगाएगा ब्लॉग में आएगा। भाई बहुत ठंडा पानी हो रहा है यहाँ पर। भाई बहुत ठंडा पानी है हमारा भाई, डुबकी नहीं लगाई अब आ रहा है ये। आ रहे हो यार इसको ले लो ब्लॉग। तो भाइयों मैं नहा तो चुका हूँ, मैंने सलामी दे दी है तोप से मगर अब लग रही है बहुत ज्यादा ठंड। कितना चिल्ड पानी था यार? बाकी वो थोड़ी देर जो है धूप में रुकेंगे, धूप में। या फिर कितना चिल्ड पानी था? ओ भाई बहुत ठंडा था, मेरा तो सांस रुक गया था भाई। तीन डुबकी में लगातार मारी, जैसे वो होते हैं ना पाप धोते हैं भाई, बहुत तरह। बहुत चिल्ड पानी था लेकिन बहुत मजा आया, इतना ज्यादा ठंडा पानी था। अब ये लोग यहाँ आके धूप ले रहे हैं और हम भी थोड़ी देर अब धूप में ही खड़े होंगे। बहुत मजा आया मगर डेस्टिनेशन जो है बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छी जगह। अगर नैनीताल आपका आना हो तो यहाँ जरूर आना। क्या नाम है भाई इस जगह का? इसका नाम है भालू, भालूगढ़ फॉल। तो गाइस इसके बाद की लोकेशन है हमारी मुक्तेश्वर चोली की जाली। कितना यार नाम जो है अजीब सा है, कैसा है ये यासिर? चोली की जाली, उसमें चोली की जाली पता है गाइस क्या है? वहां पर जो है ना एक बड़ा सा पहाड़ है तो उसमें जो है ना हाईएस्ट, हाँ एक इतना बड़ा छेद है तो लोगों ने उसे फेमस पॉइंट दे दिया चोली की जाली। तो वो यहाँ का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है जिससे गाड़ी एक किलोमीटर पहले खड़ी करनी पड़ेगी। हाँ, उसके आगे उसमें भी वॉकिंग डिस्टेंस है शायद, है ना? उसके आगे कोई रास्ता नहीं है भाई। हाँ, वहाँ गाड़ी आगे नहीं जाती, ओनली वॉकिंग डिस्टेंस है थोड़ा सा 500 मीटर या। चलो तो अब हम निकलते हैं वहाँ के लिए, धूप ले लो थोड़ी यासिर भाई। हाँ यहाँ बैठते हैं, पानी की बोतल किसकी है ये? तो थोड़ी देर हम यहाँ बैठ के लेंगे धूप, एक बार क्योंकि ठंड लग रही है बहुत। तो भाइयों मैं जो ना ऐसे लोगों के साथ आ गया हूँ जो ऑमलेट पे पूरी पूरा दिन कटवा देते हैं। हम पांच बंदे हैं यहाँ पर, नवेद, खलील ने कुछ काम नहीं किया, खलील ने अब तक यासिर ने एक बर्तन भी नहीं उठाया, सारा काम हमने करा। और खलील ने सबसे कम करा, सबसे ज्यादा काम नवेद ने और मैंने करा। भाई देखो बना के दिया, मोमिन ने सिर्फ बर्तन धोए। भाई हम इसके मेहमान हैं, आज ऑमलेट भी बनाया मैंने, आज ऑमलेट बनाया इसने लेकिन हमसे अच्छा नहीं बनाया। मगर भाई क्यों गाइस हमसे अच्छा बनाया, हमसे अच्छा नहीं बनाया, पूरा दिन कटवा देते हैं ऑमलेट में। आना शुरू करा है मैंने, फर्स्ट टाइम काम करा वो भी इनके लिए, वरना मैं कभी फ्लैट पे आके काम नहीं करता, बिल्कुल बैठे बैठे सब चीज आती है, लेकिन मैंने इनके लिए ऑमलेट बनाया, चाय बनाई। तो भाई ऑमलेट के बाद कुछ खिला दिया करो इनके लिए, स्पेशल पापे लेकर आया था मैं वो भी दिल्ली से। चलो भाई ये तो बढ़िया है मगर यार पूरा दिन कटवा देते हैं ऑमलेट में, ये अच्छी बात नहीं है, जुलम कर रहे हैं साले। बिरयानी और शामी कबाब माल रोड पे,
चलो कोई आज नहीं खाऊंगा बिरयानी बिरयानी भाई। अरे वो तो यार बोलना पड़ेगा ना, वरना सब सोचेंगे कि यार ये तो ऐसे ऑमलेट पर रहेंगे। यार और भी कुछ बोल दे यार, कोरमा नहारी वारी भी कुछ बोल दे यार। बिरयानी और शामी कबाब बेहतरीन है। वैसे भाई यहाँ नैनीताल में खाने की जगह अच्छी है। तो खाई हम तो दे देंगे चिकन, साफ बात है। हाँ तो भाई जो तुम्हें खाना वो बता देना। गाइज अब हम आ चुके हैं मुक्तेश्वर भोले की झाल पर। हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है ये, और ये अब हम ये यासिर व्लॉग सबसे हाईएस्ट पॉइंट, इससे आगे कोई चलने की जगह नहीं। यहाँ भी हमारी टांगे टूट चुकी है भाई चढ़ते चढ़ते, क्योंकि गाड़ी हमने पार्क बहुत नीचे करी है। अब हमें चढ़ तो गए हैं, अब उतरने में कितनी दिक्कत होती है वो बाद में बताएंगे, लेकिन अब जो आ गए हाँ वो आपको बाद में बताएंगे। ये हमारे कुछ दोस्त साथी मैगी खा रहे हैं, मैगी उन्हें भी दिखाते हैं। ये हमारे साथी थके हुए चिप्स खा रहे हैं, थक गए हैं। इससे आगे देखो व्यू। तो अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ मुक्तेश्वर, यहाँ सबसे हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ का। मैं आपको लोकेशन दिखा दूं, तुम बाज नहीं आओगे यार फोटो खींचने थे। हर जगह जाके ये देखो, हर जगह जाके फोटो खिंचवाने लगता है ये बंदा। मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ उसका। तो भाइयों इसी के साथ हमारा दिन होता है आज ख़त्म। मेरा हो गया था फ़ोन स्विच ऑफ, तो इसलिए मैं बाकी ब्लॉग आपको दिखा नहीं पाया। हम डिनर वगैरह हमने करके हम आ चुके हैं अपने फ्लैट पर भाई के, और हमारा चौकीदार ये रहा। और वो अपनी महबूबा के साथ थोड़ा बिजी है। ये महबूबा की यादों में खोया हुआ है, ना होने वाली महबूबा। हाँ ना होने वाली महबूबा है इसकी। होने वाली होती तो पता नहीं क्या होता। इसकी क्या होगी, इसकी क्या होगी गाइस। जो लड़की इसकी है ना, मैं बता नहीं सकता, छोड़ो यार। चलो छोड़ो यार, इस बारे में हम बात नहीं करते, ये पर्सनल मामला है हमारा। बिल्कुल हमारा नहीं, इस भाई का पर्सनल, भाई का पर्सनल मामला है। हमारा तो कोई है ही नहीं, हम तो क्या ही बताएं हमारी कहाँ है कौन है कैसी है। भाई अपना ब्लॉगर है यार ये आने वाला अपना नया ब्लॉगर है मोमिन। मोमिन ब्लॉगर स्टोर पे है, जो तू देखता है ना वो बैग स्टोर पे। और आप और आप सब देख सकते हो, ये सुबह भी यही पड़ा रहता है और शाम को भी यही पड़ा रहता है ये बिग बॉस देख रहा है बिग बॉस। और मगर भाई आज इसने हमें कोरमा वगैरह बना के खिलाया है भाई, और मजा आ गया। स्वाद था जो बात है, ओ स्वाद वाद नहीं था पर जान बचाई हमारी। अब भाई फोन स्विच ऑफ था यार, चार्जिंग पे लग रहा था। अकेले नहीं, नहीं हम दोनों ने बनाया था। इस भाई ने मेहनत करी यार सबसे ज्यादा, सो ब्रेकफास्ट मैंने बनाया था बिल्कुल। और वो जो लेटा है ना उसने कुछ काम नहीं किया, वो सबसे बड़ा खलवाया था। बस इसने जो बर्तन धोए हैं, स्माइल ऐसे लगती है जैसे चलो। तो भाई ये दिन हमारे खत्म होता है आज। ओके टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।